कुख्यात दिवाकर कोतलवार और उसके साथियों के खिलाफ मंगलवार को सोनेगांव थाने में एक और प्रकरण दर्ज किया गया। इससे गिरोह के खिलाफ मकोका के तहत कार्रवाई होना तय माना जाता है। समर्थ नगरी सोनेगांव निवासी पीड़ित व्यापारी नितिन राजन लाल कौर को मार्च 2019 में रुपए की जरूरत पड़ी थी। उसने कुख्यात बदमाश दिवाकर कोतलवार और उसके साथी धर्मेंद्र खुशलानी खामला निवासी से 12 लाख रुपए ब्याज पर लिए थे। इन दोनों के पास साहूकारी का लाइसेंस नहीं है। इसके बाद भी वह ज्यादा ब्याज दर वसूलने के चक्कर में लोगों को ब्याज पर रकम देते रहे हैं। इस बीच नितिन से 12 लाख रुपए के बदले में 28 लाख रुपए 9 फरवरी 2021 तक वसूल चुके हैं। इसके बाद भी नितिन से 30 लाख रुपए की मांग की जा रही थी। कुख्यात कोतलवार गैंग चा जो म्होरके आहे दिवाकर कोतलवार याच्यावर काल सोनेगाव पोलीस स्टेशनला जबरी चोरी खंडणी आणि सावकारी नियमन अधिनियमाद्वारे गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। याची थोडक्यात हकीकत अशी आहे की फिर्यादी नितिन गौर यांना काही पैशांची नितांत आवश्यकता होती। त्यांनी 2 वर्षापूर्वी मार्च 2019 दिवाकर कोतलवार याच्याकडून 12 लाख रुपये व्याजाने घेतले होते, 10% प्रति महिना व्याजाने। त्यांनी 2 वर्षात जवळपास 28 लाख रुपये त्याला व्याजापोटी दिले होते। तरीही दिवाकरचा आणि त्याचा सहकारी धर्मेंद्र खुशलानी यांचा असा अट्टहास होता की तुझ्याकडे अजूनही 30 लाख रुपये उरतात आणि लॉकडाऊनमुळे 2 महिने फिर्यादी व्याज देऊ शकला नाही म्हणून आरोपींनी जबरदस्तीने त्याच्या संमती वाचून त्याची इनोवा कारसुद्धा घरून ओढून आणली होती। तर दोन्ही आरोपींवर सोनेगाव पोलीस स्टेशनला खंडणी जबरी चोरी आणि सावकारी अधिनियमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। यातील आरोपी दिवाकर कोतलवार हा सध्या जेलमध्ये आहे आणि दुसरा आरोपी हा फरार आहे। इस बात को लेकर हुए विवाद के चलते दिवाकर और धर्मेंद्र ने अपने अन्य साथियों की मदद से नितिन को यह कहकर धमकाया कि वह जब तक रुपए नहीं देता है तब तक उसकी कार MH31DV9489 उनके पास रहेगी। नितिन और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी गई। इससे डरे सहमे नितिन ने मामले की शिकायत सोनेगांव थाने में की है। मामले की जांच अपराध शाखा को सौंपी गई है। कैमरा पर्सन माइकल के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।